New Hope TV, your encounter with God. Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 4, please. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे मरकुस के चौथे अध्याय में. And let's read from verse 3 onwards. उसके तीसरे वचन से. Now Jesus spoke many spiritual truths, heavenly truths in parables. और देखिए यीशु ने बहुत सारे आत्मिक रहस्यों को, बहुत सारे सच्चाइयों को दृष्टांतों के माध्यम से कहा. Listen, behold, a sower went out to sow. सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला. And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside. और ऐसा हुआ बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा. And the birds of the air came and devoured it. और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया. Some fell on stony ground where it did not have much earth. कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी नहीं मिली. And immediately it sprang up because it had no depth of the earth. और गहरी मिट्टी न मिलने के वजह से जल्दी उग आया. But when the sun was up it was scorched because it had no root, it withered away. आगे लिखा है, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया. Notice, something can come up so quickly, but if there's no root, it will just fall down. देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जो जल्दी से निकल आती है, लेकिन क्योंकि उसे जड़ नहीं पकड़ी रखी है, तो बस यू ही वो ख़राब हो जाता है. Verse 7 says, and some seed fell among the thorns. सातवां वचन ऐसा कहता है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे. And the thorns grew up and choked that seed, and it yielded no crop. और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया. Wow, I like that word, choked. ठीक शब्द अच्छा है, दबा दिया. Other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased, produced some 30-fold, some 60, and some 100. परंतु कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और वे उगे और बढ़कर फलवंत हुए और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया. The first point I want to bring out is this right now. और देखिए पहला मुद्दा जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है. I want you to turn your attention to verse 7. और चाहते हैं कि आप अपना पूरा ध्यान सातवें वचन पर लगाएं. It says, some of the seed fell among the thorns and the thorns grew up and choked it. और देखिए सातवां वचन ऐसा कहता है कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया. Hallelujah. Hallelujah. And with a very interesting thing it says it yielded no crop. और बड़ी दिलचस्प बात यहां पर यह भी दर्ज है कि और वह फल न लाया. There are some people, देखिए कुछ लोग होते हैं, that receive the word, जो वचन को तो ग्रहण करते हैं, but what happens is that the seed, that the word that they receive is often choked in their life. लेकिन क्या होता है कि वो वचन, जो वो बीज उन्होंने अपने जीवन में पाया है, उस वचन के बीज को वो उनकी जिंदगी में दबा दिया जाता है. They are educated, they are capable, they are able, and all that stuff. For some reason, it says over here, if the word gets choked in their life. और देखिए वे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वे शातिर हैं, वे होशियार हैं, वे चतुर हैं, या फिर कहें तो वे दक्ष भी हैं, एकदम काबिलियत भी है उनके पास अच्छे से, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वचन उनकी जिंदगी में किसी न किसी कारणवश दबा दिया जाता है. It be that in your life the word has not produced so far the results that you wanted to because the word of God has been choked in your life for some reason. I want to bring it out. शायद हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि आप अपने जीवन में ऐसे कुछ परिणाम पाना चाहते थे परमेश्वर के वचन के जरिए जो आपके जीवन में बोया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो बीज जो बोया गया था वचन का वो दबा दिया गया, लेकिन वैसा फसल आपको नहीं मिला. Choke the word of God in your life. देखिए चार ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में दबा देती है. Now, I don't want to go into detail, but it's in the word. देखिए पूरी एकदम गहराई के जानकारी में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के वचन में दर्ज है. First one, पहला है, the cares and the anxieties of the world. और इस दुनिया की चिंताएं, the cares and the anxieties of this world, they choke the word in our lives. और देखिए इस दुनिया की जो चिंताएं होती है, जो संसार की जो चिंताएं होती है, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में दबा के रख देती है. You hear the word on prayer. आप प्रार्थना पर आधारित वचन को सुनते हैं, but you get up next morning and you don't pray. लेकिन आप अगली सुबह उठते हैं और प्रार्थना नहीं करते. Because the cares and the anxieties of the world pull you in some different direction than from your prayer closet. क्योंकि संसार का फिक्र जो है, संसार की चिंताएं जो है, आपको प्रार्थना के कमरे में जाने के बजाय वो आपको कहीं और ही दिशा में खींचती है. Oh, I need to do this and I need to do that. The urgencies of life pull you from the important things in your life. और देखिए ओ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. देखिए आपके जीवन में जो अहमियत रखने वाली चीजें हैं उनसे हटकर ये चीजें जो जरूरी चीज आपको खींचती है किसी और ही दिशा में. The second thing, दूसरी चीज़, write this down, लिख लीजिए, the distractions of this age. और देखिए इस संसार का धोखा. When some people, have you seen them? They're so distracted. क्या आपने देखा है कुछ लोगों को, उनका ध्यान पूरे से भटका रहता है. And now with the advent of the smartphone or the mobile
मोबाइल फोन और जैसे कि अभी मोबाइल फोन स्मार्टफोन आ गया है इवन व्हेन यू आर प्रेइंग यू आर पोस्टिंग समथिंग और देखिए ऐसे हालात में जब आप प्रार्थना भी कर रहे होते हैं तब भी ऐसा करते हैं कि आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं आई सीन सम पीपल इवन व्हेन दे आर टॉकिंग टू समबडी इंपॉर्टेंट चेकिंग आउट द नोटिफिकेशन एंड इट्स द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस एज दे चोक द वर्ड इन योर लाइफ और देखिए ऐसा होता है कि अगर वो किसी से बात भी कर रहे हो तब भी वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के संदेश पर मैसेज करते रहते हैं ऐसा लगे रहते हैं देखिए इस प्रकार का जो ध्यान भटकाने वाली चीजें जो उनके जीवन में वचन को दबा देती है Pleasure, the delight, and the false glamour and the deceitfulness of riches, they choke the word. तीसरा जो है कि इस संसार के जो सुख विलास और जो झूठी शान और शौकत अभिलाषाएं होती हैं वचन को दबा के रख देती हैं उनके जीवन में. Make the word fruitless. वे वचन को बिल्कुल निष्फल बना देती हैं. Now please understand this. अब ध्यान से समझिए. You have the word. आपके पास वचन है. You know the word. आप वचन को जानते हैं. You read the word. आप वचन को पढ़ते भी हैं. But there's no fruit. लेकिन कोई फल नहीं होता. These are the reasons. ये सारे वजह हैं. The fourth one. चौथा है. The craving. The lustfulness, the passionate desire for things, they choke the word. That's why, you see, you can have the knowledge of the word, but still not have the fruit of the word. और देखिए चीजों की अभिलाषा करना, जैसे कि एकदम तड़प रखना अपने अंदर, जिसके वजह से क्या होता है कि वचन की इच्छा है आपके अंदर, देखिए देखिए वचन आपके अंदर फल नहीं लेकर आता है. It's like you know the scripture, you know the reference, you know whatever, you know the Hebrew and the Greek. Praise God, but the word is not bearing fruit in your life. और देखिए आप वचन कहाँ पर दर्ज है, उसे जानते हैं कौन से संस्करण में लिखा हुआ है और इब्रानी भाषा में यूनानी भाषा में लिखा हुआ है सब आपको पता है लेकिन फिर भी वो वचन आपके जीवन फल परिणाम उत्पन्न ही नहीं करता है. Not against Hebrew and Greek. Please learn it, please. और देखिए इब्रानी और यूनानी संस्करण इसके खिलाफ में हम नहीं है आप सीखिए अच्छे से सीखें. In spite of knowing so many things, we can preach about the power of God and there's no power. और देखिए इतनी सारी बातें जानने के बावजूद भी देखिए हम परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में प्रचार कर सकते हैं लेकिन फिर भी ऐसा संभव है कि सामर्थ्य वहां पे प्रदर्शित ही न हो. So that's what I mean by not bearing fruit. यही कहने का मतलब है कि फल उत्पन्न ना करना. Choking the word, stopping it from bearing fruit in our lives. और देखिए ऐसी चीजें होती हैं जो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में दबा के रख देती हैं कि वे फल उत्पन्न न करने पाए. Lift your hands and pray right now. चलिए अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें. Father, in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में. Uproot those things from our life. वे उन चीजों को मेरे जीवन से निकाल दें. That choke your word, O God. जो तेरे वचन को दबा देती हैं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Father, you said every plant which my heavenly Father has not planted shall be uprooted, O God. तूने कहा कि हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ दिया जाएगा. चलिए प्रार्थना शुरू करें. In the name of Jesus. बोलिए यीशु के नाम में. Uproot those things from my life. उन चीजों को मेरी जिंदगी से उखाड़ दे. That choke your word. जो तेरे वचन को दबा देती है. Stop your word from bearing fruit in my life. तेरे वचन को मेरे जीवन में फल उत्पन्न करने से रोक देती है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. If you pray this prayer sincerely. अगर आप ये प्रार्थना ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं. For the next 7 days. अगले 7 दिनों तक. Things will begin changing in your life. चीजें आपके जिंदगी में बदलने लग जाएंगी. Somebody needs to shout a big hallelujah. किसी को तो जोर से हालेलुया चिल्लाने की जरूरत है. This one prayer point will change the dynamics of your spiritual life. और देखिए ये एक प्रार्थना मुद्दे जो है आपके आत्मिक जीवन का पूरा स्तर ही बदल के रख देगा. Wow, that's powerful. बहुत ही अद्भुत है. Okay, let me go to Hebrews chapter 4 and verse 2 right now. निकालते हैं इस समय इब्रानियों के पत्री उसके चौथे अध्याय दूसरे वचन. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह ही सुसमाचार सुनाया गया है. Notice over here. गौर करें यहाँ पर. We just read in Mark 4. हमने अभी मरकुस का चौथा अध्याय पढ़ा. There are 4 types of people who received that word. वहां पर चार लोगों के बारे में जिक्र हुआ जिन्हें वचन को तो ग्रहण करते हैं. We can see that right now. अब देख सकते हैं. The wayside. और देखें रास्ते के किनारे. The stony ground. पथरीली ज़मीन. The thorns. कांटों के बीच में. And good ground. और अच्छी ज़मीन पर. So in Hebrews 4 it says the gospel was preached to us as well as to them. सुसमाचार को हमें सुनाया गया, हमें भी वैसे ही जैसा उनको सुनाया गया. Being exposed to the word of God does not guarantee spiritual outcome. परमेश्वर के आत्मिक सत्य के संपर्क में आने का की गारंटी ये नहीं है कि आप आत्मिक तौर पे परिणाम भी पाएंगे. What do I mean? मतलब क्या है? Paul writes, he says the gospel was preached to us as well as to them, but the result was different. और देखिए फिर पौलुस ने ऐसा कहा कि सुसमाचार को जैसा हमें सुनाया गया वैसे ही उनको भी सुनाया गया, लेकिन परिणाम नतीजे तो जो थे वे बिल्कुल अलग थे. You know, you can be in a Christian family. और देखिए शायद हो सकता है कि आप किसी मसीह परिवार का सदस्य हो. You're hearing the gospel every day. और हर दिन आप सुसमाचार सुनते हैं. You know, worship song, messages, but you still don't believe. आराधना के गाने सुनते हैं, संदेशों को सुनते हैं, लेकिन फिर भी आप विश्वास नहीं करते. So that's why the Bible says the gospel was preached to them as well as to us, but what happened? The result is different. देखिए इसी वजह से देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन क्या होता है परिणाम अलग निकले. Continue with Hebrews 4:2 now. इब्रानियों का चौथा अध्याय दूसरे वचन को जारी रखेंगे. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. But the word which they heard did not profit them. पर जिस वचन को उन्होंने सुना उससे उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ. Point number 3, write this down. तीसरा मुद्दा लिख लीजिए. It says whenever you receive the word it will bring you profit.
यह हम पर जाहिर करते हैं कि जब कभी आप वचन को सही रवैये के साथ सुनते हैं और ग्रहण करते हैं तो यह आपको फायदा पहुंचाएगा. You know, spiritually, physically, mentally, it will always bring you profit. और देखिए आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भौतिक तौर पे हमेशा यह आपके पास फायदा को लेकर आएगा. Paul was astounded. He says, but the word which they heard did not profit them, as if it was like Paul was saying, hey, उनको फायदा नहीं हुआ. It did not profit them. और देखिए प्रेरित पौलुस यहां पर चौंक कर यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि देखो हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुना गया, लेकिन जो वचन उन्होंने सुना था उससे उनको कुछ फायदा, कुछ लाभ नहीं हुआ. You see, there was nothing wrong with the word. अब देखते हैं वचन में कोई खराबी नहीं थी. There was something wrong with the people who heard it. लेकिन वे लोग जिन्होंने सुना था उनमें ही कुछ खराबी थी. The Bible clearly says in Hebrews 4:12 that the word is living and powerful and sharper than a double-edged sword. परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है. But then why was it not profitable? तो क्यों यह लाभदायक नहीं निकला? My fourth point. मेरा चौथा मुद्दा. Write it down. लिख लीजिए. It was not mixed with faith in those who heard it. सुनने वाला विश्वास के साथ यह नहीं जुड़ा. Hello, are you with me right now? क्या आप साथ में हैं? You see, when you hear the word. देखिए जब आप वचन को सुनते हैं. You just don't hear it. आप सिर्फ सुनते ही नहीं. It has to be mixed with faith. जरूरी कि विश्वास के साथ वो मिलाया जाए. Somebody shout a hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया. I've been to the UK some time back. पासवान जी कुछ समय पहले UK गए थे. And surprisingly I found that the Indian curry was very famous over there. और आश्चर्यचकित तौर पे पासवान जी को ये पता चला कि भारतीय जो कड़ी वहां पर बहुत ही मशहूर है. And they took me to a very fancy restaurant. एक अच्छे रेस्टोरेंट में पासवान जी को ले जाए गए. And the steward came, that gentleman, you know. वो व्यक्ति जो आए. He said, Pastor Mike, what would you like? Would you like butter chicken? You know, like. वे आकर पूछने लगे, पासवान माइकल जी आप क्या खाना पसंद करेंगे? बटर चिकन आप पसंद करेंगे क्या? I said, hey, we have this every time. Tell me something new. पंजी ने कहा, ओ ये तो हम हमेशा खाते हैं, कुछ नया बताओ. Then he told me, he says, your Indian masalas are so amazing. फिर वो बताने लगे कि आप लोगों का जो भारतीय जो मसाला जो होता है बहुत ही अच्छा होता है. You see, that's how it is. और देखिए ऐसे होता है. When you mix the word with faith, you know. जब आप वचन को विश्वास में मिलाते हैं. The effectiveness increases. उसकी प्रभावशीलता जो बढ़ती है. That's what it says. Paul is saying, the word was God which they heard. It did not profit them. It did not change them. Did not bring anything in their lives because they did not mix it with faith. और देखिए यही तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वचन उन्होंने सुना था उसके वजह से देखिए उनको कुछ फायदा नहीं मिला, उनके जीवन में कोई बदलावट नहीं आया, कुछ उनको लाभ नहीं पहुंचा. क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ उन्होंने उसे नहीं मिलाया था. This explains why two people can hear the same message. देखिए इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि जब दो लोग एक ही संदेश को सुन रहे हो. And one benefits and the other does not. और सुनकर एक व्यक्ति तो फायदा उठा रहा है और दूसरे कुछ फायदा नहीं मिल रहा. You see people sitting under the ministry of Jesus. आप देखते हैं ऐसे लोग जो यीशु की सेवकाई में बैठते थे. Judas. यहूदा. He heard the best teacher that ever preached. और उससे सबसे अच्छे शिक्षक को जो कभी इस धरती पर प्रचार करता सुना उसने. But what happened? लेकिन क्या होता है? He committed suicide. उसने खुदकुशी किया. Was something wrong with the word that Jesus preached? क्या यीशु ने जो वचन प्रचार किया था उसमें कोई खराबी थी? No. नहीं. It was not mixed with faith. लेकिन उसके साथ विश्वास उसे नहीं मिलाया. You know, I believe today there are people who are listening to me. You are mixing this word with faith. Somebody needs to shout hallelujah. हमें पूरा यकीन है कि ऐसे लोग जो आज सुन रहे हैं इस संदेश को, आप इस वचन के साथ अपने विश्वास को मिला रहे हैं, बोलिए हालेलुया. It's going to be an explosive mixture. Boom! The enemy kingdom is going to go like that. और ये धमाकेदार तौर पे ऐसा मिलाया जाना हो रहा है और धमाका होकर जो शत्रु का राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा. That's what happens when you mix the word of God with faith. यही होता है जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ मिलाते हैं. You know, I often tell my children. पास्टर जी अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं. Just because you're born in a pastor's house doesn't mean that you know you have got a special advantage. और क्योंकि आपने एक परमेश्वर के जब पासवान जी के घर में जन्म लिया इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें जो विशेष विशेष फायदे बस यूं ही मिल जाएंगे. My father was not a pastor. पासवान जी के पिताजी पासवान नहीं थे. But you see what happens is many people, you know, they are born in some Christian family, they have some titles. I want to tell everyone, those are watching me right now, you may be an ordinary person, but I challenge you, take the word, mix it with faith, you will have explosive manifestations in your life. Somebody say, I receive it. Hallelujah. हो सकता है कि आपने एक साधारण से परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे वचन जो आ रहा है, इस वचन को अपने विश्वास के साथ मिलाएं और आप एक धमाकेदार परिणाम को पाने जा रहे हैं, ग्रहण करें इसे. Hallelujah. Hallelujah. You see, Peter. आप देखते हैं पतरस को. He was a man of many failures. और बहुत सारी नाकामियों, बहुत सारी असफलताओं से भरा हुआ व्यक्ति था. But he was a man who mixed it with faith. लेकिन ऐसा व्यक्ति भी वो था जिसे विश्वास के साथ मिलाया. Praise God. प्रभु स्तुति हो. You see, Thomas, this man of God, doubted, you know? और देखे थोमा नामक यह व्यक्ति ये तो संदेह करता था. But one day, लेकिन एक दिन, he mixed the word with faith. He came to India and he shook the South India for the Lord. उसने वचन को विश्वास से मिलाया और ऐसा करके वो एक दिन भारत देश में आया, दक्षिण भारत में आया और आकर उस दक्षिण भारत को हिला कर रख दिया प्रभु के लिए. I want to share with you this point. Please listen very carefully.
carefully. और मेहरबानी से ध्यान से सुनिए ये मुद्दे को आपके साथ बांटना चाहेंगे हम. So what do you mean it's not mixed with faith? और पास्टर जी आपके कहने का मतलब क्या है कि विश्वास के साथ उन्होंने नहीं मिलाया? Two things I want to say, write it down. लिख लीजिए दो चीजें. You know when the word of God is heard inaccurately. और देखिए जब परमेश्वर के वचन को सही तरह से नहीं सुना जाता है. The preacher says something. देखिए प्रचारक कुछ कह रहा है. And you want to hear something. और आप कुछ और सुनना चाहते हैं. That's selective hearing. और ये तो ऐसा है कि आप चुन रहे हैं सुनने के बाद. The word is heard inaccurately. It's not understood. और देखिए वो वचन जो सही तरह से सुना नहीं गया तो उसे समझा भी नहीं जा सकता. Jesus explained the parable of the sower. He says they sowed the seed, but they did not understand it, and so the birds came and took it away. और देखिए यीशु ने इस बारे में बताया मरकुस के चौथे अध्याय में जाकर आप बाद में पढ़िएगा कि देखो उन्होंने वचन को बोया लेकिन उन्होंने वचन को समझा नहीं. फिर क्या होता है पक्षियों ने आकर उन बीज को वचन को चूकर चले गए. So when you hear the word, तो जब वचन सुनते हैं, say Lord, teach me to understand what is being said. आपको कहना चाहिए कि प्रभु मुझे सिखा कि जो कहा जा रहा है जो कहा गया वो मैं समझ सकूं. You know, when a message of giving is preached, और देखिए जब भेंट देने का संदेश प्रचार किया जाता है, you know what the people are hearing? आप जानते हैं लोग क्या सुन रहे होते हैं? Oh, now they want my money. Oh, अब इनको मेरा पैसा चाहिए. That's what happened to me. यही तो मेरे साथ भी हुआ. But thank God. लेकिन परमेश्वर का whenever I went to a service, I should say, Lord, help me understand what is being said. और जब कभी किसी सभा में जाते तो पासवान जी प्रार्थना करते कि प्रभु जो कहा जा रहा है उसे समझने के लिए मुझे बुद्धि दे. And one day I understood this truth. और एक दिन इस सच्चाई को उन्होंने समझा. I said, God doesn't want my money, and neither these people want my money. How can my 50 rupees and 100 rupees make these people rich? I said, God, forget about that part. But what if I understand what is being really said? You see, this is where understanding the word becomes so important. और देखिए इन्होंने कहा एक दिन इस बात को समझ के कि मेरा 50 रुपया मेरा 100 रुपया ना परमेश्वर का चाहिए ना इन लोगों को चाहिए. मेरे 50 और 100 रुपये से ये लोग तो अमीर बनेंगे नहीं. तो लेकिन उसके पीछे दूसरा जो पहलू था कि देने के बारे में जो अहमियत थी पासवान जी ने उस बात को समझ लिए थे. That is why understanding the word is so important, paramount. और देखिए इसी वजह से आप देखते हैं वचन को समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है. The second thing is दूसरी चीज़ hearing the word with the wrong attitude. और वचन को सुनना लेकिन गलत रवैये के साथ. Hallelujah. Hallelujah. You know, many people they sit under a preacher. और देखिए बहुत सारे लोग वो प्रचारक के सामने बैठते हैं. And they offended with the preacher for some reason. और देखिए प्रचारक पर ठेस खाए होते कुछ वजह से. Something happened. कुछ ना कुछ हुआ होता है. The pastor didn't call them for their birthday. Didn't wish them on the anniversary. उनके पासवान जी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको कॉल नहीं किया. उनके सालगिरह पर उनको बधाई नहीं दी. उनके कॉल उन्होंने उठाए नहीं. Oh, I called him so many times, he didn't pick up. Oh, कितनी बार मैंने कॉल किया लेकिन मेरा फोन उठाया नहीं उन्होंने. Brother, भाई, only you have problems. Pastors never have any problems. सिर्फ आप ही को समस्याएं हैं. पासवान जी के पास कभी कोई समस्या नहीं होती. Preachers never have any problems. प्रचारकों के पास कोई दिक्कत समस्या नहीं होती. Whenever you call, they must pick up the phone. तो जब कभी आप कॉल करते हैं तो उनको कॉल उठाना चाहिए. आसान होता है. Sometimes you can hear the best message. तो कभी-कभी क्या होता है आप सर्वश्रेष्ठ संदेश को सुनते हैं. Outsiders are shouting. बाहर लोग चिल्ला रहे हैं. Now because something happened. लेकिन क्योंकि कुछ हुआ है. Hello. सुनिए. You're sitting with a big fat face. आप एकदम मुंह फुलाए हुए बैठे होते सामने. No, you're watching it. आप देख रहे हैं. You're hearing it with a bad attitude. लेकिन आप सुन रहे हैं एक गलत रवैये के साथ. That is why it does not produce in your life. इसी वजह से देखिए ये कोई परिणाम आपके जीवन में लाता नहीं है. Even family members. परिवार के लोग भी. Outsiders are screaming. बाहर के चिल्ला रहे हैं. बड़े जोर से चिल्ला रहे हैं. सामान. Outsiders are sitting. अंदर के लोग जो बैठे हैं हाथ जोड़े ऐसे मोड़े और देख रहे हैं वहाँ. I'm telling you, the people are very close to a man of God, they never receive anything. और वे लोग जो परमेश्वर के जन के बहुत ही करीब होते हैं वे कभी ग्रहण नहीं करते. Never get so close to a man of God or a woman of God that you don't receive anything. परमेश्वर किसी भी जन या परमेश्वर किसी भी महिला के इतने करीब मत हो जाएं कि आप उनसे कुछ ग्रहण नहीं कर पाए. That's why I tell my media team, you can hear the message 3 times, 4 times, 5 times, still it does not produce. Hallelujah. And I can hear, you know, Papa Morris Cerullo and Oral Robertson just once and I'm jumping in the room. और इसी वजह से पासवान जी अपने मीडिया टीम से भी कहते हैं कि आप इनके संदेश को 3 बार, 4 बार, 5 बार कितनी बार भी सुन लेते हैं लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता. और पासवान जी मॉरिस सेरुलो जी के टीडी जेक्स जी के संदेश को बस एक ही बार सुनते हैं और अपने कमरे में खुद चिल्लाने लगते हैं अपने कमरे में. हालेलुया. आई एम टेलिंग यू. कहते हैं आपसे power, that's amazing. अद्भुत है ये. Are you listening right now? I'm not ashamed to say I learned from so many great men of God. और ऐसा कहने में शर्माते नहीं परमेश्वर कई जनों से पासवान जी बहुत कुछ सीखा है. You don't have to be friends with the preacher to receive from the preacher. और देखिए आपको प्रचारक से कुछ ग्रहण करने के लिए उनका मित्र उनका दोस्त होने की जरूरत नहीं है. You see the Pharisees and the Sadducees. आप देखते फरीसी और सदूकियों को. They saw the miracles. उन्होंने आश्चर्यों को देखा. Common people said, man, this preacher Jesus talks like no one taught. और देखिए वहां के जो साधारण से सीधे साधे जो लोग थे वे तो ऐसे ही कहने लगे कि यीशु जैसा तो कोई नहीं बात करता. Even today we say that. आज भी हम कहते हैं. But the Pharisees and Sadducees. लेकिन फरीसी और सदूकी लोग. Ah, this fellow. Ah, ये. We know where he's from. हम जानते कहाँ से आए. Ah, he's a carpenter's son. ये तो बड़े का बेटा है. So what? तो क्या हुआ? I'm telling you, this is the problem, the wrong attitude. Do
not never have the wrong attitude when you listen to the word of God. और देखिए यही तो गलत व्यवहार है, गलत रवैया, कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनते समय गलत रवैया न रखें. One small preacher, small fellow can stand up and preach something that can has the ability to change your life. और देखिए छोटा सा कोई प्रचारक खड़ा होगा और उसमें ऐसी योग्यता की प्रचार करने की जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा. I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया. Receive the word with understanding. समझ के साथ वचन को ग्रहण करें. And receive the word with the right attitude. Whether it's your brother preaching, whether it's your uncle, a husband, whoever is preaching, it is the word of God. Receive it with the right attitude. सही रवैये को अपनाएं जब आप वचन को सुन रहे होते हैं. चाहे आपका अंकल हो, आपके भाई बहन, कोई भी क्यों ना हो, वचन जब प्रचार किया जाता है अच्छे से सही रवैये से ग्रहण करें. Many years ago, कई साल पहले, you know, we had the prayer line at home, you know. घर में प्रार्थना लाइन हुआ करता था. And nobody knew that. किसी को नहीं पता था. They thought we had a big office and all that. उनको लगता था कि हमारा एक बहुत बड़ी ऑफिस है. Prayer line. प्रार्थना लाइन. But they did not know that it was in my house. लेकिन वे नहीं जानते थे कि पापा जी के घर में ही होता था. कई साल पहले. The phone is to ring at any time of the day. फोन जो है दिन के किसी भी समय बजता था. And the sad part is to ring in the night also. और दुख की बात यह कि रात में भी बजता था. I'm sleeping. And you know, we had this old, you know, this big fat, I don't know what you call them. It had this funny ringtone, you know. और अचानक बजने लग जाता था. And I pick it up. पासवर्ड जी लेते? Half, sometimes half in the sleep. कभी-कभी आधी नींद में भी. Hello. Hello. Pray for me. Then I have to write. What is your number? What is your name? And we have to write it down. So then the next person can take over, you know. तो पासवर्ड जी सब लिख लेते हैं उनकी जानकारी ताकि दूसरा व्यक्ति जो है आके अपनी जिम्मेदारी को संभाले. So this lady calls me up. तो ये महिला कॉल करती हैं. And she was a pregnant lady. और वे गर्भवती महिला थी. She said, Pastor, I cannot sleep. पासवर्ड जी मैं सो नहीं पा रही हूँ. Now I was half sleepy, you know. पासवान जी अति नींद में थे. I said, go for the word. वचन में जाएं. Take the word. वचन को लीजिए. Okay. ठीक है. What I meant was read the word. और कहने का मतलब था कि वचन को पढ़ो. Next day. अगले दिन. One of my staff, we had only two people as staff. उस समय हमारे स्टाफ मेंबर में सिर्फ दो ही लोग थे. So one person receives the call. तो एक को कॉल आता है. Hello. Hello. Last night I called up. पिछली रात मैंने कॉल किए. My daughter-in-law is pregnant. मेरी बहू जो है गर्भवती है. Pastor said, take the word. पासवान जी ने कहा वचन को लो. So my daughter-in-law took the fat Bible and kept it on her stomach. She is getting stomach pain now. तो मेरी बहू ने एक मोटी बाइबल ली और अपने पेट पर रख के सोई. उसे पेट दर्द हो रहा है. See, listen, please understand. समझिए ध्यान से. Possessing the word does not guarantee it will be profitable. और देखिए वचन को आपने रखा है अपने पास, इसका मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि आपको परिणाम मिलेंगे. So one person earlier team member, I said, you know, whenever you sleep, you know, let the word be with you. देखिए जब कभी आप सोते तो होने दे वचन आपके साथ हो. This lady put the word under the pillow. और ये महिला जो है वो वचन को बाइबल को तकिए के नीचे डालती. Sunday service she came and said, Pastor, I put the Bible in under my pillow. My neck has become like that. और एक दिन आकर कहने लगे, पासवान जी मैंने बाइबल को अपने तकिए के नीचे रखी, मेरी गर्दन ही ऐसी अटक गई. This may sound funny. देखिए मजाक क्या लगे. But these things actually happened in my ministry. लेकिन ये चीजें होती हैं हमारी सेवकाई में. So if you have the word, तो देखिए जब अगर आपके पास वचन हो, it is not going to change you. ये आपको बदलेगा नहीं. You know, I come from a very simple traditional background. You know, when a person dies, they put the Bible in the coffin. और देखिए ऐसे साधारण पार्श्वभूमि में से आए हैं पासवान जी बताते कि जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उस मरण पेटी में बाइबल रख देते हैं. Bible in the coffin will not take that person to heaven. मरण पेटी में बाइबल रखना उस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं ले जाएगा. Sorry. माफी चाहता. But the Bible in your spirit, the Bible in the heart will take you towards the living word. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Come on. आपकी आत्मा में होना देखिए जीवित वचन की ओर ले जाएगा. That's why Paul writes. इसलिए पौलुस लिखते हैं. The word was preached to them, but it did not profit them. वचन को प्रचार तो किया गया लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं मिला. Let it not be said about you. और ये आपके बारे में ना कहा जाए. Let it not be said about us. ये हमारे बारे में भी ना कहा जाए. They heard the word, they heard the word, they heard the word, but it did not profit them. कि उन्होंने वचन को सुना, वचन को सुना, वचन को सुना, उनको कुछ फायदा नहीं मिला. Today I want to tell you right now. आज आपसे कहना चाहते हैं. A simple truth that will bless you. I'm telling you right now. एक सरल सी सच्चाई जो आपको आशीष पहुंचाएगी, आपको बताते हैं. लिख लीजिए. Go to the book of James chapter 1 verse 21. याकूब की पत्री पहला अध्याय 21वां वचन. See what it says. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word, hey, which is able to save your soul. Not just the word, the implanted word. किसमें वचन ऐसा कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है. Hallelujah. There are sometimes, you know, medically they put things in your body. और देखिए औषधि विज्ञान के तौर पे बताना चाहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर में वैसे डालते हैं. Those are called implants. और वो कहलाते डाला गया. Meaning that it's in your body. You know, suppose if a bone is broken, they'll put a rod in your hand. So that is called an implant. और देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो वहां पर लोहे की छड़ी कुछ डाल देते तो इसका मतलब उसमें डाला गया है. So that is an implant. It is part of you.
देखिए यह है डाला जाना और यह आपका हिस्सा बन जाता है. So in the same way, when you receive the word, it must become part of you, part of your life. तो इसी तरीके से वचन भी जब वचन को ग्रहण करते हैं तो यह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए. And you have to receive that word with meekness. Yes, Lord, I need that word. And you receive that word, it becomes a very part of your lifestyle. और देखिए आप उस वचन को नम्रता से ग्रहण करना चाहिए कि हाँ प्रभु यह वचन मैं ग्रहण करता हूँ और फिर वो वचन आपके जीवन की एक शैली बन जानी चाहिए. Now how you receive the word with meekness, it must change who we are. और देखिए वचन को आप नम्रता से कैसे ग्रहण करते हैं, ये करने से आप बदल जाते हैं कि आप कौन हैं. You know, some people, they don't have a time to get up. और देखिए कुछ लोगों के पास उठने का समय नहीं होता. They just get up anytime. किसी वक्त भी वो जाग उठते हैं. They sleep anytime. किसी वक्त भी सो. If you want to be fruitful, you can't do that. अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो देखिए आप ऐसी शैली को receive that word, अगर इस वचन को ग्रहण करेंगे, tomorrow some change must come in your life. Hallelujah. कुछ तो बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा. Somebody say hallelujah. कोई तो कहे hallelujah. Some people, their thoughts are always wandering. और कुछ लोगों के विचार हमेशा भटकते रहते हैं. They look like Socrates, you know. और सोक्रेटिस जैसे लगते हैं. The philosopher. और तत्वज्ञानी. With curls, you know. और इधर कल जैसे. They always thinking this, that, their eyes are, they're listening to the preacher, but they're thinking something else. हमेशा बस वो कुछ सोचते रहते हैं. देखते हैं और सुनते तो प्रचारक की और देखते हुए, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था. Paul says, don't let your mind wander on unnecessary, dirty, evil things. Receive that word tomorrow. Cut. Hey, somebody say. Paul ने कहा कि तुम्हारा मन जो है गंदी एकदम बेतुका की चीजों पर भटकने मत दीजिए. आपको करना है. It should change in your life. और ये आपके जीवन में बदलावट को लाना चाहिए. People should look at you and say, my goodness, that fellow, his time is like tack, tack, tack. The way he lives, the way he talks, the way he moves, there's something different about you. Let it be said about you. I want you to rise. I want you to do great things for the Lord. Somebody lift your hands and said, that's me. I receive it. Hallelujah. और देखिए लोगों को आपको देखकर आपके बारे में अलग ही बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बोलता है, जैसा चलता है, बिल्कुल इसके बारे में कुछ तो अलग है. ऐसी बातें लोग आपके बारे में करनी चाहिए. ग्रहण करें इसे.